वैज्ञानिकों की माने तो हमारे ग्रह यानी धरती पर शुरू से ही सूर्य का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। यह मौसम, महासागरीय धाराओं, मौसम और जलवायु को संचालित करता है। यह पौधों के जीवन को भी संभव बनाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य की गर्मी और प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब इसी सूर्य का एक विशाल टुकड़ा टूट गया है। इस ताज़ा घटनाक्रम से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आखिर कहाँ गया सूरज का वह विशाल टुकड़ा? अब क्या होगा मानव जाति का और इस धरती का? आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अर्थेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नासा से जुड़ी एक वैज्ञानिक ने बताया कि सूरज का एक बड़ा हिस्सा अपनी सतह से टूट गया है और इसने अपनी उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बवंडर जैसा भंवर बना लिया है। तमाम वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश में हैं कि आखिर यह हुआ कैसे। इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। यह घटना नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर की है, जिसे पिछले सप्ताह अंतरिक्ष मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चमिता स्कोप ने शेयर किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरज धरती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सौर ज्वाला, जिसे प्रोमिनेंस भी कहते हैं, का उत्सर्जन करता रहता है, जो कभी कभी पृथ्वी पर संचार को प्रभावित भी करता है। इसलिए वैज्ञानिक ताजा घटनाक्रम के बारे में अधिक चिंतित है। घटनाक्रम का वीडियो शेयर करते हुए डॉक्टर स्कोप ने लिखा, आइए ध्रुवीय भंवर के बारे में बात करें। नॉर्दर्न प्रोमिनेंस से मटेरियल अभी अभी मुख्य फिलामेंट से अलग हो गया है और अब हमारे तारे के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक विशाल ध्रुवीय वायुमंडलीय गति की को समझने के लिए निहितार्थों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता है। नासा वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रोमिनेंस सूर्य की सतह से बाहर की ओर फैली एक बड़ी चमकीली फीचर है। अतीत में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया है। डॉक्टर स्कोप ने एक अन्य ट्वीट में कहा, सोलर पोलर वोर्टेक्स की अधिक निगरानी से पता चलता है कि मटेरियल को लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर ध्रुव को परिचालित करने में लगभग 8 घंटे लगे। इसका मतलब है कि इस घटना में क्षैतिज हवा की गति के अनुमान में एक ऊपरी सीमा 96 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 60 मील प्रति सेकंड है। इसका धरती पर क्या असर होगा, इसको लेकर वैज्ञानिक पड़ताल में लगे हुए हैं। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के सौर भौतिक विज्ञानी स्कॉट मैकटॉस ने बताया कि उन्होंने कभी ऐसा भंवर नहीं देखा था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक अब इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने और एक स्पष्ट तस्वीर पेश करने के लिए इस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत करें।